missing someone. Hi everyone, what's up, and thank you so much for visiting my channel, and you're watching My Limitless World by Devanshi. आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ जर्नलिंग एंड डायरी राइटिंग से रिलेटेड। मुझे काफी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप जर्नलिंग से रिलेटेड कुछ शेयर नहीं कर रहे हो, आप जर्नलिंग सीरीज बंद क्यों कर दी। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, एक्चुअली मैं कुछ अलग आइडिया सोच रही हूँ अपने दिमाग में, जैसे कि मैं अलग अलग आइडियाज आपके शेयर कर सकूँ। तो यस गाइस, आज का वीडियो मैंने सोचा कि जर्नलिंग से रिलेटेड ही कर लेते हैं। एंड यस गाइस, ये मेरा सेकंड वीडियो है जो कि मैं हिंदी में करने वाली हूँ। एंड आपने फर्स्ट वीडियो जो कि मैंने हिंदी में किया था उसको नहीं देखा है अब तक, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स जो कि आपको चाहिए ही होंगे अगर आप जर्नलिंग स्टार्ट कर रहे हो। सो आज का वीडियो टॉपिक है स्टेशनरी प्रोडक्ट्स विच यू कैन यूज इफ यू वांट टू स्टार्ट जर्नलिंग, एंड दिस इज स्पेशली फॉर बिगनर्स जो कि बिगनर्स अभी जर्नलिंग बस स्टार्ट ही कर रहे हैं। सो गाइस, मैं जानती हूँ कि जो ये मेजॉरिटी ऑडियंस है वो यहाँ पे बच्चे ही हैं, और अगर आप बच्चे हो और अगर आप जर्नलिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, एंड आप इनको परचेज भी कर सकते हो। आई विल गिव यू द परचेजिंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो अगर आप कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एंड विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको नॉर्मल प्रोडक्ट्स तो नहीं दिखाने वाली हूँ, जैसे कि पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब सबके पास होता है। मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो कि अगर आपके पास नहीं है तो आपको परचेज कर लेने चाहिए। सो गाइस, सबसे पहला प्रोडक्ट मेरे पास वो है ये, और ये है डॉम्स की वाटर कलर पैलेट, और इसका प्राइस है 70 रुपीज, और ये सबसे छोटी वाली पैलेट है। इसके अंदर आपको 12 कलर्स मिलते हैं। आप इस पैलेट की हालत देखकर बता सकते हो कि मैं इसको काफी यूज किया है। ये ड्राइंग और पेंटिंग में तो आप यूज कर ही सकते हो, पर ये जर्नलिंग के लिए भी काफी अच्छी होती है। आप इनमें से पर्पल, पिंक टाइप के कलर्स लेके अपनी जर्नल के पेज पे लगा के काफी अच्छा सा गैलेक्सी इफेक्ट क्रिएट करके उसके ऊपर एक सुंदर सा थॉट लिख सकते हो, और काफी सारी चीजें कर सकते हो। तो ये काफी अच्छे कलर्स हैं। इनके अंदर आपको बस थोड़ा सा लाइक अराउंड एक दो ड्रॉप पानी डालना है, इनको डाइल्यूट कर लेना है और फिर इनको अप्लाई करना है। बहुत अच्छा आपका जर्नलिंग का प्रोसेस बन जाता है इससे। तो काफी अच्छे लगे थे मुझे कलर्स, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। एंड ये लोकल मार्केट में काफी इजीली अवेलेबल भी है। उसके बाद गाइस, जो मेरे पास सेकंड प्रोडक्ट है यहाँ पर, वो होने वाला है ये, और ये प्रोडक्ट मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिला था। इसका प्राइस मैंने मम्मा से पूछा था तो इसका प्राइस अराउंड 120 है। एंड ये है एक स्टैंपिंग सेट, ये आपको अलग अलग कार्टून पे मिल जाएगा, और मेरे पास है हेलो किटी वाला। तो इसके अंदर आपको मिलता है एक स्टैंपिंग पैड और एक रोलर। आपको इस रोलर को बस स्टैंप पैड में हल्का सा डिप कर लेना है और फिर आप अपनी डायरी पे इसको ऐसे रोल कर सकते हो, और काफ़ी सुंदर सा एक पैटर्न आ जाएगा आपके जर्नलिंग के पेज पर। ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर आपको हल्का सा डेकोरेशन ज़्यादा करना है तो आप इनको ट्राई आउट कर सकते हो, काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी भी लगता है। तो डेफिनेटली आप इस किट को ट्राई आउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी सी प्यारी सी किट है, और अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तब भी अच्छी है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास यहाँ पर, वो होने वाला है ये वाला प्रोडक्ट। ये मैंने खुद रिसेंटली बाय किया है, और ये है एयर ड्राई क्ले का पैकेट, और ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। इसका प्राइस था 92 रुपीज़, एंड इसके अंदर आपको मिलते हैं 12 क्ले के कलर्स, और ये सारी एयर ड्राई क्ले है। इसके साथ आपको अदर टूल्स भी मिल जाते हैं। तो ये जो क्ले है गाइस, ये एयर ड्राई है। इसका मतलब है आप ऐसे कुछ भी शेप या कुछ भी बनाओगे और उसको बस एक दिन के लिए या दो दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दोगे तो वो ड्राई हो जाएगी और अच्छे से आपका एक 3D ऑब्जेक्ट का शेप ले लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है अगर आप अपनी डायरी को डेकोरेट करना चाहते हो, तो आप इसी क्ले को यूज़ करके कुछ छोटे छोटे चार्ट्स बना सकते हो, और बुक मार्क बना सकते हो, कुछ कीचेन टाइप का बना सकते हो डायरी के लिए, और फिर उसको एयर ड्राई कर सकते हो, और उसके बाद आपके DIY चार्ट्स बन जाएंगे और आपके काफी सारे अच्छे कीचेन्स बन सकते हैं। तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर ट्राई करना, काफी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप लोकल स्टोर से लोगे तो आपको 50-60 का पड़ेगा। सो गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास, वो तो ऐसा प्रोडक्ट है कि आपके पास होना ही चाहिए अगर आप जर्नलिंग स्टार्ट करना चाहते हो या फिर अगर आपको क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, और ये है मेरा पेपर पैड। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि मेरे को इतना पसंद आया ये प्रोडक्ट। तो ये एक बुक की तरह है, और इसके अंदर आपको मिलते हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर डिजाइन के पेपर्स, बहुत सुंदर डिजाइन के पेपर है इसके अंदर। इन वाले डिजाइन के हैं, आपको डिजाइन मेंशन है यहाँ पर, और इसका प्राइस है 250 रुपीज़। बहुत ही अच्छा है ये, इसको आप अपने समर हॉलीडेज होमवर्क के लिए या फिर अपनी डायरी डेकोरेशन के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। पेपर क्वालिटी अंदर की बहुत बढ़िया है, और शुरू के दो पेजेस पे आपको स्टिकर्स भी मिलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा था। ये थोड़े बड़े साइज वाला है इसलिए इसका प्राइस 250 है। अगर आप छोटे साइज वाला लोगे तो उसका प्राइस अराउंड 150 टाइप का होता है। तो जरूर चेक इट आउट, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास वो है कलरिंग बुक। सो गाइस, आप ये मत सोच रहे कि हम लोग छोटे बच्चे थोड़ी देर जो कि कलरिंग बुक पे कलरिंग करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे कि ये कलरिंग बुक है मेरे पास बारहवीं थीम की, इसके प्राइस 20 रुपीज़ था। इसके अंदर आपको एक तो पहली बार स्टिकर्स मिल जाते हैं, और मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि जैसे कि ये जो कलरिंग बुक्स होती है इनके अंदर काफी अच्छे अच्छे आपको पेजेस मिल जाते हैं जिनके ऊपर अलग अलग पैटर्न बने हुए होते हैं और अलग अलग पिक्चर होती है, जैसे कि इनके ऊपर बारहवीं की है। तो आप क्या कर सकते हो कि इनको ड्रॉ कर सकते हो अपने जर्नल में, या फिर इनको कट कर सकते हो, इनके कलर कर सकते हो, फिर अपनी जर्नल में चिपका सकते हो। वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगता है, तो यू कैन ट्राई इट आउट, काफ़ी अच्छा है। और आपको कलरिंग बुक्स काफ़ी अच्छे अच्छे डिजाइन से भी मिल जाती है, जैसे कि बंडावा पैटर्न से मिल जाएगी, बारबी वाली मिल जाएगी, तो आप अपने हिसाब से पिकअप भी कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास यहाँ पर, वो है स्टिकर्स, क्योंकि स्टिकर्स ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी पुरानी नहीं हो सकती। ऐसे स्टिकर्स, मतलब मुझे स्टिकर्स बहुत पसंद है, जैसे कि मेरे पास है ये सोफिया द फर्स्ट वाले स्टिकर्स, और फिर मेरे पास है मेरे कुछ DIY स्टिकर्स। और स्टिकर्स ऐसी चीज़ है कि आप कहीं पर भी लगा सकते हो, आप अपने
रूम में लगा सकते हो, एज अ रूम डेकोर अच्छा लगते हैं वो, फिर आप अपने जर्नलिंग के लिए यूज कर सकते हो, आप अपने डाई डेकोरेशन के लिए अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो ये अच्छा प्रोडक्ट रहता है और स्टिकर्स काफी अफोर्डेबल भी होते हैं, आपको 5-5 रुपीज के स्टिकर्स मिल जाते हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। एंड आप अपने फेवरेट स्टिकर्स ले सकते हो, जैसे ग्लिटर में ले सकते हो या फिर आप फोम स्टिकर्स ले सकते हो, जैसे आपको स्टिकर्स पसंद है वैसे ट्राई आउट कर सकते हो। गाइस, तो मेरा यहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट होने वाला है जो कि आपके पास होना ही चाहिए, वो है ये वाला, एंड ये है ब्रश पेंस का सेट। अब ब्रश पेंस काफी लोग समझते हैं कि ब्रश पेंस बिल्कुल स्केच पेंस जैसे होते हैं, पर ऐसा नहीं है, ब्रश पेंस और स्केच पेंस अलग अलग चीज होती है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एड जेल के ब्रश पेंस का सेट है पूरा, इसको मैं ऐसे एक मग में रखती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्रश पेंस कैसे होते हैं। सो गाइस, ये रहा मेरा एक ब्रश पेन, ये एड जेल का है, एंड इसको आप एक साइड से ओपन करते हो तो आपको काफ़ी एक अच्छी सी मतलब ब्रॉड टिप मिलती है, और यहाँ पे आपको काफ़ी एक प्रिसाइज टिप मिलती है, और ये काफ़ी ज़्यादा बटर स्मूथ होते हैं, स्पेशली अगर आपको कैलीग्राफी करने का शौक है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये प्रोडक्ट, मुझे काफ़ी पसंद आते हैं ये वाले ब्रश पेन, और नॉर्मल स्केच पेन की तरह भी आप इनको यूज़ कर सकते हो, आपको सुंदर सा कुछ हैंडराइटिंग मिलता है तब भी यूज़ कर सकते हो। तो पर्सनली मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, और इन ब्रश पेन का प्राइस आई गेस 200 रुपीज़ का था, और इन ब्रश पेन के सेट के साथ कलरिंग बुक भी फ्री मिलती है। सो यस गाइस, ये थे सारे प्रोडक्ट्स जो कि मुझे आपके यहाँ शेयर करने थे, और ये प्रोडक्ट्स आप जरूर खरीदना अगर आप जर्नलिंग स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप जर्नलिंग के लिए नहीं वैसे भी यूज कर सकते हो नॉर्मली। तो आई रियली होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप अगर चाहते हो कि मैं और वीडियोज बनाऊँ हिंदी में और वीडियोज बनाऊँ जर्नल से रिलेटेड। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल घंटी सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो, एंड आई विल मीट यू सून। बाय बाय बाय।